हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये जो तीन क्वेश्चन है ना, इतने इम्पोर्टेंट है, वो है बेस्ड ऑन इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स। आपने ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं, बट ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। तीनों क्वेश्चन क्या काम है ना, अलग अलग टाइप के। ओके, सो प्लीज ये तीनों क्वेश्चंस को समझो कि क्या कहना चाहते हैं क्वेश्चन, और ये सॉल्व करने की मेथड एट लास्ट सेम है। ये फॉर्मूला अप्लाई सब में होगा, सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बट उसके पहले है ना, यहाँ पे कुछ चेंजेस है। ओके, तो देखते क्या चेंजेस है, एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सेट 6 मतलब आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेट। इसके हर एक क्वेश्चन है ना नया ट्विस्ट देके जाते हैं, हर एक क्वेश्चन है ना नया ट्विस्ट देके जाएंगे। ओके, सो नाउ आ जाते हैं हम ये क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर सेकर स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। चलो आपको पता चल गया कि एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज कितना दिया है, 60% बराबर, और कुछ दिया रहेगा तो हम उसके बाद ऐड करते जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे है ना, मैं लिख लू यहाँ पे एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 60% बराबर। चलो, फ्रॉम द बैलेंस ही डोनेट्स ₹300। एक्सपेंडिचर नहीं, बट इसमें क्या बोला है, फ्रॉम द बैलेंस मतलब, बैलेंस मतलब सेविंग्स में से उसने 300 डोनेट किया है। कितना डोनेट किया है, 300। ओके, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि और ₹300 का एक्सपेंस किया, तो एक्सपेंडिचर इन रुपीस भी आपको दिया, एक्सपेंडिचर इन रुपीस भी आपको दिया है 300। अब है ना, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको है ना दो खर्चे दिए, एक डोनेशन का और एक नॉर्मली 60% बराबर। तो इसको तो हम रुपीस में कन्वर्ट करेंगे बराबर। सपोज इसका आंसर आया 500, ऐसा आंसर आएगा नहीं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 500 प्लस 300 तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 800 बराबर। तो ऐसे ना इसको ऐड करना, तो वो मैं आपको आगे जाके करवाऊंगा। बट याद रखना कि ये दोनों को है ना मिक्स मत कर देना, ये दोनों को कभी मिक्स मत करना। ये ऑलरेडी रुपीज में, तो इसको कुछ छेड़खानी नहीं करनी, इसको ऑलरेडी रुपीज में ही रहने दो। परसेंटेज वाले को हम क्या करेंगे, रुपीज में कन्वर्ट कर देंगे। परसेंटेज वाले को क्या करेंगे, हम रुपीज में कन्वर्ट करेंगे बराबर। आगे दिया है, ही इज द लेफ्ट विथ रुपीज 3200। लेफ्ट विथ रुपीज 3200 मतलब आपको दिया है सेविंग्स इन रुपीज इज इक्वल्स टू रुपीज 3200 बराबर। चलो, एंड लास्ट में बोला व्हाट इज द इनकम, इनकम आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है बराबर। चलो, इनकम इन रुपीस इज इक्वल्स टू रुपीस एक्स, ये आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है बराबर। तो पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख लेता हूँ। चलो, नाउ सबसे पहले यहाँ पे लिखो, लेट इनकम इन रुपीस बी एक्स। इनकम कितना है, एक्स बराबर। अब एक्सपेंडिचर इन रुपीस कितना हो जाएगा पता है, 60% ऑफ इनकम। ये सारी चीजें आप करते आ रहे हो, वही कर रहे हो, बस खाली एक ही स्टेप एक क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। 60/100 मल्टीप्लाई विथ एक्स, 0 0 कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 6x/10 बराबर। अब अगर मैं कहूं कि आपने है ना, आपने पहले 200 का एक्सपेंस किया, उसके बाद 100 का एक्सपेंस किया, तो टोटल कितना एक्सपेंस हो गया, 300। तो आपने पहले 6x/10 का एक्सपेंडिचर किया और उसके बाद आपने 300 डोनेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है ना, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर एक क्वेश्चन में क्या हो जाएगा पता है, पहले 6x/10 किया और उसके बाद मैंने कितना कर दिया, 300 बराबर। ये मेरा क्या हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर इन रुपीस, टोटल एक्सपेंडिचर इन रुपीस बराबर। अब मेरे पास एक्सपेंडिचर भी रुपीस में है, सेविंग्स भी रुपीस में है, और इनकम भी रुपीस में है बराबर।
तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, सेविंग्स इन रुपीस इज इक्वल्स टू इनकम इन रुपीस माइनस एक्सपेंडिचर इन रुपीस, बराबर। चलो सेविंग्स इन रुपीस कितना दिया था आपको 3200, इनकम कितना है x, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 6x अपॉन 10 प्लस 300, बराबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, ये अगर पता चल गया तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। चलो 3200 इज इक्वल्स टू x, यहाँ पे मेरा एक स्मार्ट बच्चा रहेगा ना, वो बोलेगा कि सर यहाँ पे आएगा ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 6x अपॉन 10 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 300, बराबर, पता चला। चलो ना ये 300 है ना, उसको यहाँ पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा प्लस 300, तो 3200 प्लस 300 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या कर दो पता है, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। चलो 10 इंटू एक्स, 10x माइनस 6x अपॉन 10, चलो तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3500 मल्टीप्लाई विथ, ये यहाँ पे जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा इज इक्वल्स टू 4x, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4x, सो नाउ 35,000 पर डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, चलो कर लेते 4 8s are 32, रिमेनिंग इज 30, 4 7s are 28, रिमेनिंग इज 20, 5s are 0, 8 7 5 0, बराबर। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या जाएगा 8 7 5 0, आंसर क्या जाएगा 8 7 5 0, बराबर। मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है उसके लिए, तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर टोटल इनकम इज रुपीज 8750। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था पता है, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं। एक तो ये वाला स्टेप काफी इंपॉर्टेंट था कि मुझे टोटल एक्सपेंडिचर कैसे मिला, और सेकंड है ना आपको यहाँ पे साइन में है ना याद रखना है, ये दो स्टेप आपको काफी अच्छे से करने, ओके। चलो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते, ओके। चलो ये तो काफी आपको सिंपल सा क्वेश्चन लगता रहेगा, बट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसके लिए मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ, बराबर। आप मुझे बताओ इनकम अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो इनकम कितना परसेंट होता है, 100%, बराबर। और उसमें से मैंने एक्सपेंस कर दिया 30%, तो मेरा सेविंग्स कितना हो गया 70%, एक्सीलेंट, ओके। ये बातें आपको पता है। नाउ आपको ये जो क्वेश्चन है ना वो काफी समझना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। चलो सबसे पहले है ना आपको सॉल्व करना है एक बार परसेंटेज का पार्ट और एक बार है ना रुपीज वाला पार्ट। आई रिपीट, आपको क्या है ना दो पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला पार्ट है ना पूरा परसेंटेज का कैलकुलेशन, पहले पार्ट में क्या होगा परसेंटेज कैलकुलेट होगे, और सेकेंड पार्ट में ना आपका कैलकुलेशन होगा रुपीज का, बराबर। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। मिस्टर मनोहर गिव 20% पार्ट ऑफ हिज इनकम टू एल्डर सन एंड 30% पार्ट ऑफ हिज यंगर सन, ओके। मतलब देखो उनका दो एक्सपेंडिचर है ना नजर आ रहा है, एक्सपेंडिचर के परसेंटेज, एक है 20% और दूसरा है 30%, बराबर, यस। तो यहाँ पे आ गया टोटल 50%, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 50%। अब आगे बोला है ये लाइन है ना काफी इंपॉर्टेंट है, ही गेव 10% ऑफ द बैलेंस एज डोनेशन टू स्कूल। यहाँ पे आप डेफिनेटली मिस्टेक करते हो, पॉइंट नोट डाउन करो, आप यहाँ पे डेफिनेटली मिस्टेक करते हो। आप क्या करते हो पता है, 20% 10% 30% प्लस 10% 60%, आपका एक्सपेंडिचर है ना 60% आ जाता है, हमेशा आपका ये मिस्टेक होता है और होता ही है। आप डायरेक्ट 60% लेते हो, बट मैं कहूंगा कि आप पे 60% नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तो उसके पीछे एक रीजन है। देखो ये लाइन है ना समझने वाले समझ गए, ओके
अच्छे से रीड किया है तो क्या बोला है, ही गिव 10% ऑफ द बैलेंस एज अ डोनेशन टू अ स्कूल। उसने डोनेट किया है 10%, बट 10% किसका पता, उसके बैलेंस का। 10% किसका पता, उसके बैलेंस का, बराबर। तो क्या करना है देखो यहाँ पे, आपको पता है आपकी इनकम कितना परसेंट होती है, 100% होती है, बराबर। आपकी इनकम कितने परसेंट होती है, 100% होती है। आपका एक्सपेंडिचर कितना परसेंट दिया है, 50%, बराबर। तो मैं अगर इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मुझे सेविंग्स कितना मिल जाएगा, मुझे सेविंग्स कितना मिल जाएगा पता है, 50%। मुझे सेविंग्स कितना मिल जाएगा, 50%। इसको मैं सेविंग्स भी बोल सकता हूँ और बैलेंस भी बोल सकता हूँ, बराबर। बैलेंस या तो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट बचा, तो आपका ये जो 10% है ना, वो आपको ये 50% पे करना है, पता चला। अब मैं कहूँ एक सिंपल सी बात, आपका 100% इनकम होता है, आपने 70% है ना एक्सपेंस कर दिया, तो आपका सेविंग्स कितना बचा, 30%। तो आप जो डोनेशन कर रहे हो ना, वो आप ये 30% में से डोनेट कर रहे हो, ना ही 100% में से। क्लियर हुआ, बस ये बात मुझे आपको समझानी थी। तो आप जो डोनेट कर रहे हो ना, वो किस पे कर रहे हो पता है, 50% पे। आप जो डोनेट कर रहे हो किस पे कर रहे हो, 50% पे, बराबर। तो चलो आपका जो डोनेशन होगा ना, वो कैसे होगा पता है, तो यहाँ पे आ जाएगा डोनेशन इज इक्वल्स टू, डोनेशन कितना है, 10% ऑफ बैलेंस, बराबर। तो ये जो पहला परसेंटेज है ना, उसको कन्वर्ट कर दो 10/100, और मुझे बताओ आपका बैलेंस कितना है, तो आपका बैलेंस है 50%। इसको परसेंटेज में ही रहने देना है, इसको परसेंटेज में ही रहने देना है। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल। तो डोनेशन कितना आ गया, 5%। डोनेशन कितना आ गया, 5%, बराबर। तो चलो डोनेशन 5% है, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज कितना हो जाएगा पता है, टोटल एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज हो जाएगा 50% पहले डोनेट था खर्चा, और फिर 5% का डोनेशन किया, तो ये हो जाएगा 55%। बस मुझे ये इतना सा 6 स्टेप है ना वो सिखाने थे, ये काफी इंपॉर्टेंट थे, बराबर। अगर ये पता चल गया ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो उसके रिलेटेड। चलो वापस एक बार, ओके, वापस एक बार मैं ये स्टेप रिवाइज करवा देता हूँ। चलो ये सारी चीजें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आप भी मेरे साथ है ना ट्राई करना, ये आंसर देने का ट्राई आप भी मेरे साथ करना, ओके। चलो नाउ हम आ जाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले क्या था, एक्सपेंडिचर दिया था हमें, एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज दिया था 20% और 30%, ये दो एक्सपेंडिचर हमें पता थे। बट आपका जो थर्ड एक्सपेंडिचर था ना, वो आपका किस पे था पता है, बैलेंस पे। तो आपका बैलेंस कैसे मिलेगा, इनकम इज ऑलवेज 100%, इनकम इज ऑलवेज कितनी होती है, 100%। तो यहाँ पे इनकम को ले लो 100%, देन आफ्टर एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50%। देयरफॉर आपका सेविंग्स कितना हो जाएगा, सेविंग्स या फिर बैलेंस, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो, 50%, बराबर। अब बोला था कि डोनेशन है ना 10% पे करना है, पर किस पे पता है, बैलेंस पे। तो यहाँ पे आ जाएगा डोनेशन इज इक्वल्स टू 10% ऑफ बैलेंस, बैलेंस का दूसरा नाम क्या होता है, सेविंग्स, बराबर। चलो तो यहाँ पे मैंने बोला था पहले परसेंटेज को है ना कन्वर्ट करना, दूसरे वाले को ऐसे ही रहने देना, बराबर। चलो 0000 पेंसिल, तो यहाँ पे आ गया 5%। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, टोटल डोनेशन, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर मुझे मिल जाएगा, पहले 50% का एक्सपेंस किया था और फिर मैंने 5% का एक्सपेंस कर दिया, तो टोटल हो गया मेरा 55%। टोटल कितना हो गया मेरा, 55%। नाउ अब मुझे पता है देखो, एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज इज 55%। अब देखो ही स्टिल हैड रुपीज 1,80,000, सेविंग्स देखो बंदे का कितना है, 1,80,000, और इनकम इन रुपीज कितना हो जाएगा, सो यहाँ पे बोला व्हाट वाज मिस्टर मनोहर इनकम,
तो इनकम को ले लेते हैं एक्स, ओके चलो इनकम क्या हो जाएगी रुपीज एक्स। चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख लो एक्सपेंडिचर इन रुपीज इज इक्वल्स टू 55% ऑफ इनकम, तो आपके आंसर आ जाएगा 55/100x बराबर 55/100x। चलो नाउ फॉर्मूला सेविंग्स इज इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। चलो वैल्यू पुट करो 180,000 इज इक्वल्स टू x माइनस 55x/100 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 100x-55x/100 इज इक्वल्स टू 180,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 180,000 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा 45 इज इक्वल्स टू एक्स। 45 1 45 4 1 2 3 4 5 0 तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4 lakh, मतलब उसका इनकम कितना होगा 4 lakh और एक्सपेंडिचर कितना है वो हमें ढूंढना नहीं है। तो इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज 4 lakh। क्लियर है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको अगर ये वाला पार्ट पता चल गया ना, ये वाला पार्ट, तो आप कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आने दो फिर आराम से आप कर लोगे। ये पार्ट है ना काफी इंपॉर्टेंट था, पूरा एक्सपेंडिचर के बेस था, पूरा पार्ट किसके बेस था एक्सपेंडिचर के। ओके चलो नाउ मूव्स टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो ये क्वेश्चन है ना बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन ना परसेंटेज से खेलता है। पूरा क्वेश्चन किससे डील करेगा? परसेंटेज के साथ। देखो क्या दिया है आपको, है ना, एक क्वेश्चन और बाकी क्वेश्चन में फर्क क्या पता है? ये क्वेश्चन में सारी चीजें परसेंटेज में दी। अब तक के जो क्वेश्चन थे ना उसमें हम लोग ने इनकम फाइंड आउट करनी थी उसको एक्स अज्यूम किया। क्यों? बिकॉज सिलेक्टेड चीज परसेंटेज में दी थी, सिलेक्टेड चीज रुपीज में दी थी, और यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें ना परसेंटेज में दी है। तो वो टाइम पे है ना आपको इनकम 100 अज्यूम करनी है। वो टाइम पे आपको इनकम क्या करनी है 100, और ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन में ये लॉजिक लगाना है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे सारी की सारी चीजें आपको किस में दी है? परसेंटेज में दी है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सारी चीजों को मैं 100 अज्यूम करूंगा। इनकम को मैं क्या अज्यूम करूंगा 100। अब तक के क्वेश्चन में मैं एक्स अज्यूम कर रहा था, क्यों? बिकॉज मुझे परसेंटेज में नहीं दिया था, सिलेक्टेड चीज परसेंटेज में दिया था, सिलेक्टेड चीज मुझे रुपीज में दिया था उसके लिए। बट इन दिस क्वेश्चन सारी चीजें हमें क्या दी थी? परसेंटेज। बराबर। तो सबसे पहले ना यहाँ पे दो सिनेरियो है, अभी मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। यहाँ पे है ना दो सिनेरियो है, एक ओल्ड इनकम के बेस्ड और एक न्यू इनकम के बेस्ड। बराबर। आपको न्यू इनकम के रिलेटेड परसेंटेज फाइंड आउट करने सेविंग्स के, बट काफी सिंपल है, मैं बताता हूँ वैसे स्टेप्स क्या करने आपको फॉलो करते जाने। सबसे पहले मुझे एक सिंपल बात बताओ कि यहाँ पे एक मिनट, वो बात बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैलाश यूज टू स्पेंड 85% ऑफ हिज इनकम। स्पेंड मतलब एक्सपेंडिचर के परसेंटेज कितने दिए? एक्सपेंडिचर के परसेंटेज दिए आपको 85%। बराबर। व्हेन हिज इनकम इंक्रीज बाय 36%, एक्सपेंसेस इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 40% ऑफ अर्लियर एक्सपेंडिचर। उससे कोई लेना देना नहीं, ये है ना हमें ओल्ड चीज की खाली एक ही इंफॉर्मेशन दी थी कि आपका एक्सपेंडिचर है 85%। बराबर। अब ये सारी चीज परसेंटेज से है, तो मैं यहाँ पे है ना इनकम इनकम को है ना इनकम इन रुपीज में यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ 100। क्या अज्यूम कर रहा हूँ? 100। ये क्वेश्चन में मैं इनकम इन रुपीज 100 क्यों अज्यूम कर रहा हूँ? बिकॉज ये सारी चीजें परसेंटेज में दी थी उसके लिए। चलो नाउ मैं अगर कहूँ एक्सपेंडिचर इन रुपीज फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे? 80% ऑफ इनकम। बराबर। सॉरी 85% ऑफ इनकम, सॉरी 85% ऑफ इनकम। बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 85/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा रुपीज 85। बराबर। आपकी ओल्ड इनकम थी 100 रुपीज, आपका ओल्ड एक्सपेंडिचर है 85,
अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, बराबर। और यहाँ पे मैंने ये 100 क्यों अज्यूम किया, उसका रीजन मैंने आपको बताया, बराबर। अब है ना, ये लाइन में क्या बोला है, इंक्रीज बाय 36% हिज इनकम, इनकम इंक्रीज बाय 36% एंड एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 40%। दैट्स अ ह्यूमन नेचर। अगर आपके पास पैसा ज्यादा आएगा तो बट ऑफ सबके खर्चे भी बढ़ेंगे, बट आपको इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर मैं कहूँ कि आपको पहले है ना 70 मार्क्स आते थे और आपका रिजल्ट इंक्रीज हो गया 10% से, तो आप क्या करोगे? 10% से इंक्रीज हुआ मतलब क्या, 10% ही इंक्रीज करोगे? नहीं, पहले आप 70 मार्क्स तो आते थे आपको, बराबर। अब मेरा रिजल्ट इंक्रीज हुआ मतलब प्लस करने का, अब ये 10% किसका लेने का? तो 10% लेने का आपके पहले के रिजल्ट का, 10% किसका लेने का? आपके पहले के रिजल्ट का। तो 70 प्लस 10% ऑफ 77, तो अभी आपको कितना मार्क्स आता है? 77 मार्क्स। अगर मैं कहूँ पहले आपको 80% आते थे, बराबर, अब इंक्रीज हो गए 10% से, तो ये 10% किसको लेने का? 10% किस पे लेने का? 80%, बराबर। अब यहाँ पे वही चीज करनी है। चलो क्या बोला है, देखो when income is increased by 36%, तो देखो ये मेरी सब न्यू इनकम है, ये सब मेरा न्यू के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरी न्यू इनकम क्या हो जाएगी पता है? या तो एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू इनकम। अब मेरी यहाँ पे न्यू इनकम क्या हो जाएगी पता है? न्यू इनकम इज इक्वल टू, पहले मुझे इनकम थी 100 रुपीज, अब मेरी इंक्रीज होके कितनी इंक्रीज हुई? 36%। अब ये 36% से इंक्रीज हुई, पर ये 36% किस पे लू? तो 36% ऑफ पुरानी इनकम, बराबर। अब ऐसा उसका मतलब ये नहीं कि पहले अभी 36% से इंक्रीज हुआ मतलब सिर्फ 36 रुपीज मिलेगा, नहीं, पहले के जो 100 रुपये मिलते थे वो तो मिलेगा, और यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेगा 36/100 × 100, ये दोनों कहे तो आपका आंसर आ गया 136, बराबर। अभी मेरी नई इनकम कितनी है? 136। चलो अब नए एक्सपेंडिचर के बारे में भी बोला है, एक्सपेंसिस इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 40%, तो चलो यहाँ पे आ जाएगा न्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा न्यू एक्सपेंडिचर, बराबर। तो न्यू एक्सपेंडिचर मेरा आ जाएगा, न्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, पहले एक्सपेंडिचर कितना था? 85 तो था, अब इंक्रीज होके कितना हो गया पता है? 40% से इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ? 40% से, तो 40% किसका लेने का? तो पुराने एक्सपेंडिचर का, बराबर। चलो वेरी गुड, 85 + 40/100 × 85, ये 0 0 कैंसल, 2 5 5 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 17, 17 × 2 कितना हो जाता है? 34, तो आपकी इनकम आ गई एक्सपेंडिचर आ गया ₹119, बराबर, क्लियर है। चलो अब यहाँ पे एक्स लेते तो सोचो कितना कॉम्प्लिकेटेड आपका कैलकुलेशन हो जाता, बराबर। अब दिया हाउ मच परसेंटेज ऑफ हिज अर्निंग ही सेव्स नाउ, अभी आपको सेविंग्स के परसेंटेज ढूंढना है, तो पहले एक काम कर लेते हैं, सेविंग्स फाइंड आउट करते हैं। तो सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, सबके आगे न्यू न्यू वर्ड लगा देना, बराबर। चलो तो अभी इनकम मेरी कितनी है? 136, सेविंग्स कितना है? 119, अरे एक्सपेंडिचर कितना है? 119, तो सेविंग्स कितना मिल गया? 17 रुपया, बराबर। मैं 17 रुपीज का क्या कर रहा हूँ? सेविंग्स, बराबर। अब मुझे ना इसके परसेंटेज फाइंड आउट करने, क्या फाइंड आउट करना है? परसेंटेज। तो सिंपल, परसेंटेज का फॉर्मूला हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में सीखा है, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स। अब सेविंग्स के परसेंटेज ढूंढने ना, तो चलो सेविंग्स का वैल्यू पहले लिखो, कितना है सेविंग्स का वैल्यू? 17, बराबर। अब कितने में से मैंने 17 रुपया बचाया? तो स्मार्ट बच्चा बोलेगा कि सर 136 में से, वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 100, बराबर। इसको डिवाइड किया तो 50, इसको डिवाइड किया तो आंसर आएगा 68, बराबर। अब वापस 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 34। अब 17 × 1 = 17, 2 से 25 को डिवाइड किया तो आंसर आ गया 12.5%, तो आपका सेविंग्स कितना है? 12.5%, क्लियर है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ये तीनों के रिलेटेड एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मिलेंगे, बट ये तीन क्वेश्चंस आपके काफी 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 इंपॉर्टेंट है, बराबर। अब एट लास्ट फॉर्मूला वही काम आया, देखो सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हर जगह पे काम आ रहा है, बट उधर तक पहुंचने के लिए बहुत से स्टेप्स करने पड़ते हैं, ओके।
आई होप आपको लेक्चर पसंद आया, तो लाइक करो और प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करते जाओ। थैंक यू सो मच गाइस।